इतना शांत रहिए आप, तो बिल्कुल शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। अरे क्या शांत रहिए, शांत रहिए, पहले कोई हंस नहीं रहा, ऊपर से तू शांत रहिए बोले जा रही है। और कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ खाया पिया करो। अरे भाई क्या हुआ, अच्छी खासी सेक्सी तो हूँ। सेक्सी नहीं, बिना मीटर की टैक्सी लग रही है। ये तो इतनी हालत खराब हो गई, इनके बर्थडे पर इन्होंने केक पर मोमबत्ती बुझाने के लिए फूंक मारी, वो तो फूकी नहीं, ये पीछे जाके दीवार में चिपक गई। आप क्या हंस रही हैं, आपका भी बर्थडे याद है मुझे, आपने फूंक मारी थी केक सामने वाले के मुंह पे जाके लगा था, मोमबत्ती नाक में घुस गई थी बेचारे के, दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए हम संसद की कार्रवाई शुरू करते हैं, तो क्या सुनाएंगे मंत्री जी? मैं आपको आम बजट पेश करूंगा। अरे यार मुझे लगा आज कोई जरूरी काम है, अच्छी खासी चलती हुई किटी पार्टी छोड़कर मैं आई हूँ, इतना मजा आ रहा था, डांस कर रही थी। या। तो इन पार्टियों के चक्कर में हमारे देश की हालत खराब हो रही है यार। पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल पार्टी, नौजवानों की रेव पार्टी, इन औरतों की किटी पार्टी, इन पार्टी के चक्कर में देश का पार्टीशन हो जाएगा किसी दिन। अरे मैं आम आदमी के लिए यहाँ पर आम बजट पेश कर रहा हूँ, जो ये निर्णय लेगा कि आने वाले एक साल तक के ये आम आदमी कैसे अपना पेट काट कर अपना लेखा जोखा बनाने वाला है। वाह, क्या हुआ? वाह मेरे फंसक के शेखर सुमन, वाह। अब तुम्हारी भाषण बंद हो गई, देखो अर्चना भी थरथरा रही है, डर रही है। हाँ। देखो अब आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, आगे बढ़िए। मैं तो आगे बढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा लैपटॉप कब से मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो यार हम नेताओं को ऐसी चीजें दिया मत करो जो हम चला नहीं सकते यार। हाँ लैपटॉप की बात कर रहे हैं या देश की? ठीक है अब बहुत मजाक मस्ती हो गई, चलिए अब हम संसद की कार्यवाही शुरू करते हैं। रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ? तो फिर अरे ये क्या हुआ, दो टांगों पे चल के नाड़ी आ गई। जी देखिए बकवास बंद कीजिए, मैं एक आम इंसान हूँ। आम आदमी तो तुम लग नहीं रहे, आम जरूर लग रहे हो, और इस आम के अंदर कलिंगड़ किसने फंसाया ये बता दो। देखिए मैं यहाँ पे बजट सुनने आया हूँ। बजट सुनने आया तो आप घर पे बैठ के टीवी पे काय को नहीं देख लेता? आम इंसान के घर में टीवी होता ही कहाँ है। अबे टीवी की बात तो रही, कब्ज वाले काय को आपको रिएक्शन दे रहा है यार पगले। देखिए मुझे यहाँ पे आकर आपको ये भी बताना है कि किस चीज का रेट घटाया जाए और किस चीज का रेट बढ़ाया जाए। अच्छा अब तुम हमें बताओगे कि आम बजट कैसे बनाया जाए, अब थोड़ी देर बाद तुम ये भी बताओगे कि सोहेल सोते सोते एक्ट कैसे देखे, तुम सिखाओगे इन लोग कैसे काम करते हैं। देखिए मंत्री जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप बजट पढ़िए ये सुन लेंगे, आप तब तक एंजॉय करिए, ये लीजिए मूली लीजिए, टमाटर लीजिए, वेज कॉमेडी एंजॉय करिए। चलिए साल 2012-2013 का आदरणीय महोदय महोदया मैं बजट पेश करने जा रहा हूँ। हाँ जी बता रहे तो का ऐसे कैसे बजट पास करे तुम लोग, कैसे टुकुर टुकुर देखते रहे पाड़ का लड़े तक पेल दे, बता रहे तेरे को मोटे। अरे ऐसे कैसे, जब ऑपोजिशन का आदमी बीच में बैठा नहीं तो बजट कैसे पास, एक खरबूजा कौन है? मंत्री जी नमस्कार, हाँ लव यू टू। अरे ये आम आदमी है शर्मा जी, आदमी का तो पता नहीं मेरे को आम जरूर लग रहा है। शर्मा जी वाला पंच में पहले बोल चुका हूँ 5 मिनट पहले, तो बाकी का एक्ट भी खुद कर लो, हमें काहे तकलीफ दी फिर। ऐसे बोलना था, ऐसा मत बोलिए शर्मा जी, बैठिए ना थोड़े। अरे हाँ? क्या कर रहे हैं मंत्री जी, ज्यादा मत बोलिए, आज विपक्ष के नेता ही हमें बचा सकते हैं। हाँ चलिए चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। बजट में कहा जा रहा है कि गरीबों को एक एक मोबाइल दिया जाएगा। वाह वाह वाह, लेकिन उससे आम इंसान को क्या फायदा? ए ठुल्ले इधर आ, देख तेरे गरीबों को मोबाइल देंगे, गवर्नमेंट तुम्हारा नंबर सेव करेगी, गरीब जब फोन करेगा सरकार को पता चल जाएगा गरीब आदमी इसका फोन उठाना नहीं, वो नहीं फायदा। बिल्कुल सही। और एक और चीज कहना चाहूंगा मैं कि हम इस बार से गरीबों को साल में केवल 7 गैस के सिलेंडर देंगे, और इसको 5, तेरे को 5। मुझे 5 क्यों? 2 साल है जो बीच में फंसा के घूम रहा है उसका हिसाब कौन देगा तेरे को? अरे शर्मा जी क्यों आम आदमी की खिंचाई कर रहे हैं? अरे वो गैस है इसके पेट में, गैस 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 तो होगी। मैं तेरे को बताता हूँ एक बार क्या हुआ। हाँ। ये जो ओशी वाला सोसाइटी है, हाँ जी, ये लोग अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने नहीं दे रहे थे, बिल्डर ने क्या किया? क्या किया? धोखे से इसको किसी के बाथरूम में भेज दिया। इसे इसने 13 सेकंड अंदर लगाए, बिल्डिंग का चेयरमैन खुद भाग के गया बिल्डर के पास। हाँ। कहता है हम लोगों को एक कमरा चाहे कम दे दो, बिल्डिंग आज ही गिराओ। ऐसा पता नहीं क्या करके आया अंदर। मंत्री जी आप आगे बढ़िए। हाँ जी मैं तो कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए जाएं 2 से 5 रुपए के लिए। वाह अरे क्या करें, आम इंसान मर जाएगा, और 2 से 5 रुपए लीटर बढ़ गया तो आम इंसान घर कैसे चलाएगा? तेरा घर पेट्रोल से चलता है साले, तू तो सीएनजी पे, तेरे को क्या लेना तेरा पेट्रोल से? और नहीं तो क्या, और वैसे भी हम नेताओं को कौन सा पैसा देके पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है, हम तो फ्री में ही भर लेते। अरे मंत्री जी ऐसी बात नहीं, जो लोग नेता नहीं वो भी कभी कभी ऐसे तेल डलवाते हैं।
ये अर्चना की पता है आपको? हाँ। अरे कई साल यही बोल के पेट्रोल डलवाती रही कि हम जज हैं। हाँ, एक दिन तो पेट्रोल पंप वाले ने पूछ लिया। हाँ। बोलता कौन सी कोर्ट में जज है? कहती कोर्ट में भी जज होते हैं, पता ही नहीं। उसका बोलती है हम लोग कॉमेडी सर्कस में जज हैं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने गाड़ी में तो क्या तेल डालना था जो घर से लगा के गई थी वो भी निकाल लिया। आधा लीटर तेल निकला है मिट्टी का, ऊपर से पीठ में जो काटा है वो अलग। देखिए हम अपने बजट में एक चीज कह रहे हैं कि जिस इलाके में दो से ज्यादा बच्चे हैं परिवार में वहाँ पर केमिस्ट की दुकान खुलनी चाहिए। वाह। और जिस इलाके में दो से कम है वहाँ शक्तिपुर को रेंट पे ले देंगे फ्लैट। तेरे को काहे की चिंता है? एक तो गरीब आदमी ऊपर से घटिया बात करेगा, काहे तेरे को क्या लेना बे? माइक मुंह में घुसेड़ देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। और ये मैडम क्या कर रही बार बार? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुबह से बैठी शांत, ये कुर्सी पे बैठ के अपने आप को जज समझने लगी है। शांत हो जाइए। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से बोला ही नहीं, और क्या शांति चाहिए? ये लीजिए 500 रुपए सटायर के, 500 रुपए सटायर के। इतना तेरे साथ पहले एक्ट किया मैं देशभक्त बन गया, मेरे को तो डर है 3-4 और कर दिए कहीं मेरे को फांसी ना हो जाए। ओ माय गॉड। मैं तो कहता हूँ साहब, सबसे पहली बात है हमारे बजट के अनुसार इस बार फुटवेयर के दाम जो है वो हम बढ़ाने नहीं वाले। वाह वाह, क्या इससे उन लोगों को पता चलेगा जो लोग बड़ी बड़ी शादियों में पार्टियों में चप्पल पहन के चले जाते हैं? अरे आदमी पूछने वाला हो, बिरयानी में मटन थोड़ा कम डालो लेकिन जूते तो लो। बिल्कुल अच्छा लगता है। बातें करते हैं बाहर लोग, पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिनका जज चप्पल पहन के घूमता है कंटेस्टेंट तो नंगे घूमते होंगे। ओह गॉड। सही कह रहे पंडित जी आप। शर्मा जी आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं सोच रहा हूँ कि मेकअप जो है उसके भी दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए ताकि लोग थोड़ा ढंग का मेकअप करके आए। बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ मेकअप घटिया लोग करके आते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? हर रविवार रात को 10-11 बजे पूरे हिंदुस्तान के लोग घबराए घबराए घूमते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी कर रहा हूँ। आप पे तो सीमेंट असर नहीं करता, मेकअप क्या करे। आप आगे बढ़िए मंत्री जी। पहुंच जाइए। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि आपसे बकवास और बेबुनियाद कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। रोक क्या? मैं तो पहले कहता था डटी खबर मत बनाओ। तेरी ऐसी की चाहिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। दाल चावल दाल रोटी सबका दाम बढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? अब गरीब इंसान तो वैसे ही मर रहा है, आम इंसान का कुछ सोचिए ना, देखिए ना नौकरी ना रोटी। मैंने तो खुद 4 दिन से रोटी नहीं खाई। 1 रुपया दे दीजिए ना, रोटी खानी है। 1 रुपया देने रोटी खानी है? मैं तेरे को एक नहीं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। मेरे को ये बात बता, हमारे राज में 1 रुपए की रोटी देता कौन है? देखिए मंत्री जी ऐसा कीजिए, आपने अगर बढ़ाना ही है तो खाद का दाम बढ़ाइए ताकि किसानों को भी कुछ फायदा हो। वाह, दाम बढ़ाए भी तो किसके? जो प्रोडक्शन खुद करता है खाद, ताकि सुबह सुबह तू खाद पैदा करके लाख रुपया कमाए। शेर का मारे होते हो मैं बता रहा हूँ। जबरदस्ती की बकवास करते हो। अरे तुम कहाँ गए आम आदमी? तुम्हें बता, तुम इनकम टैक्स भरते होगे नहीं? अरे इनकम टैक्स भरेंगे, इन लोगों को एक ही चीज भरनी आती है, कमोड। वो भी वेस्टर्न वाला कमोड, तो उसकी तो कैपेसिटी ज्यादा होती है, कहीं गलती से इंडियन में बैठ जाए टैक्स एडवांस में जाता है इनका। आए बड़े काहे के अंदर घुसाए तुम लोग? कैसे घुसाए तुम अंदर? हम ही कह सकते हैं कैसे घुसाए उन लोगों को, क्यों नहीं कोसते जो हथियार लेकर संसद में घुस जाते हैं? अरे उनके हथियार तो हम छीन भी लेंगे, तू जो इंटरनल इनबिल्डअप लेके घूम रहा है अगर ये कहीं फोड़ दे तो क्या करेगा तू? ये कोई आम आदमी नहीं, ये मुगलों के जमाने का पदौड़ा है। मिलोट देखिए आप ऑपोजिशन के लीडर हैं तो आप इनका बजट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तेरे तो टीवी नहीं आता, तेरे को कैसे पता मैं अपोजिशन का लीडर हूं? तेरे को क्या लगता है कल को हम लोग भी सरकार बनाएंगे? हाँ? हमें भी बजट पास करना है। हाँ? हम लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन समर्थन करेगा बे? तेरे को क्या लेना देना? ऐसे हम लोग मिलजुल के सरकार चलाएंगे तभी तो देश का बेड़ा गर्क होगा, क्यों भाई साहब? यहाँ अगर पता चल ही रहा मुझे कि देश का बेड़ा गर्क ही होगा, कुछ नहीं होगा देश का। बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जिस देश को बिल्कुल सही कहा इधर दफा जा बाहर जा। जिस देश को बुड्ढे और फेसबुक को जवान चला रहे हैं वो देश क्या तरक्की करेगा? बताइए मेरे को। सही बात कह रहे हैं जी। मैं तो कहता हूँ देश को बदलना है, देश के नौजवान की सोच बदलनी पड़ेगी। जिस देश में ऐसे बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, भगवान ने कितनी भैंस जैसी सेहत दी है, दूध क्यों नहीं देते? देखिए आप
शांत हो जाइए, क्यों भड़क रहे हैं मंत्री? भड़क रहे हूं, ये भड़कूं तो क्या करूं? एक बजे कौन सा तेरा बाप बजट पेश करता है? हाँ। ये भी बात है, सही बात है। बात सही है, जो हमें पेश करना था हमने पेश कर दिया, बाकी अब आप जो पेश करना चाहे वो आप पर है।